वेलकम टू एमएल ट्यूटोरियल। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ माई ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आपको इस क्लासेस से हेल्प हो रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपने कभी सोचा है कि हर कंट्री अपने देश में एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों प्रमोट करती है? आपको इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखते हैं नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोवाइड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर के वजह से हमारे लाइफ में इनोवेशन होता है, क्योंकि नई जनरेशन नए नए आइडियाज़ के साथ बिजनेस स्टार्ट करती है, कस्टमर के नीड्स को समझते हुए नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, जिससे कि हमारी लाइफ और भी आसान हो जाती है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब कोई एक इंसान एंटरप्रेन्योर बनता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इंसान आगे जाके 100 लोगों को जॉब दे सकता है और देश के अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में देश की हेल्प कर सकता है। रीजनल डेवलपमेंट। जब कोई एंटरप्रेन्योर बैकवर्ड एरिया में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलती है, वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ती है और वो पर्टिकुलर एरिया डेवलप हो जाता है। सोशल वेलफेयर। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए खर्च करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बांधना, स्कूल स्टार्ट करना, एनजीओ चलाना एक्सेट्रा। इससे सोसाइटी की बहुत हेल्प होती है। प्रमोट कंट्रीज एक्सपोर्ट। जब कंट्रीज़ में एंटरप्रेन्योर इंक्रीज होते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और जब गुड्स एंड सर्विसेज़ की एक्सेस प्रोडक्शन होती है, एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज़ कंट्री एक्सपोर्ट कर सकती है और फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी भी देश में एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से नेशनल इनकम इंक्रीज होगी और कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होने के कारण उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी। तो ये थे नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये सिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट और नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हेल्प इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक इनोवेटिव प्रोसेस है। कंपटीशन में आगे रहने के लिए एंटरप्रेन्योर हमेशा नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। जैसे पहले के लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करते थे, पर अब हम लोगों के पास LED, LCD, स्मार्ट टीवी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एम्प्लॉयमेंट। जब एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन मार्केटिंग सेलिंग करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन हर एंटरप्रेन्योर रिसर्च करता है कि ऐसे कौन से कस्टमर के नीड है जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई, और कस्टमर के नीड के अनुसार वो नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। कस्टमर के नीड को जानने के लिए एंटरप्रेन्योर रिसर्च करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एंटरप्रेन्योर के वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज होती है और कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होने लगती है। हेल्प टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। जब कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं तो कंट्री एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकती है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योर नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करता है। जैसे पहले के लोग सिर्फ फैन यूज़ करते थे, पर आज हमारे पास AC का ऑप्शन अवेलेबल है। डेवलप बैकवर्ड एरियाज। जब एंटरप्रेन्योर बैकवर्ड एरियाज़ में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है तो वहाँ के लोगों को इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो पर्टिकुलर एरिया इम्प्रूव हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।